ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन हैं? ए सत्य नाडेला, बी टीम कुक, सी मार्क जुकरबर्ग या डी अजय बंगा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि जवाब आपका सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सके। भागलपुर में बिना बैंड बाजा के प्रेमी जोड़ों ने थाने में रचाई शादी, पुलिस बनी बारात। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र का माहौल उस समय गुलजार हो गया जब बिना बैंड बाजा बारात और किसी तामझाम के शादी के कपड़े में दो प्रेमी जोड़ा शादी करने थाना पहुंच गया। इस दौरान बारात बना पुलिस वाला और बाराती वार्ड 43 के पार्षद और अन्य लोग बने थे। जानकारी के अनुसार वार्ड 43 की नीतू कुमारी को वहीं के अनिल कुमार से प्रेम हो गया था, फिर क्या दोनों ने थाना पहुंचकर शादी रचाने की ठान ली। दोनों प्रेमी जोड़ों ने थाना पहुंचकर अपनी पूरी प्लानिंग थानेदार पवन कुमार को बताया। दोनों ने थानेदार से शादी करवाने की गुहार लगाई। दोनों बालिग थे, इसी स्थिति में थानेदार ने स्थानीय लोगों को बुलाकर दोनों की शादी करवा दी। मन से शादी की है, हम अपने मन से शादी की है। नहीं, नीतू कुमारी। नहीं, आप खुश हैं शादी से? हाँ। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। बात के लिए दोनों लव मैरिज कर रहा था, मारपीट किया, फिर लास्ट में थाना परवाही शादी ब्याह करा दिया दोनों का। कब कराया शादी? शादी आज कराया। कहाँ में कराया? थाना में किया। अच्छा, लड़का आप कौन हुए? हम लड़का का पिताजी हूँ। क्या नाम हुआ लड़का का? लड़का का नील कुमार। कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये साल 6 महीना चल रहा था। अच्छा, आज हमारे वार्ड में वार्ड 43 में थाना में एक केस आया था जी, अंबावाक का। और जो है हमारे बड़े पवन भाई जो है उन सबको डिसाइड करके सबको घर भेज दिया, कहा अपना अपना शादी करो जाके, हम लोग को ये नहीं। लेकिन हाँ, बाजी फैसला हुआ अच्छा है जी, क्योंकि गलत नहीं हुआ। लड़की अपने मन से शादी किया है लड़के से जी, और हम लोग आए देखे, बहुत अच्छा लगा। भैया जो है बहुत अच्छे से निपटाना करके शादी का आदेश दे दिया कि जाइए आप लोग शादी करिए, आप लोग उम्र है। मछली चोरी के आरोप में दो युवकों की बेरहमी से की गई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। नवगछिया के नगरह और नवादा के बीच कोसी धार के समीप कुछ दबंग लोगों ने मछली चोरी के आरोप में बैसी गांव के दो युवकों को बांधकर जबरदस्त पिटाई कर दी। दबंगों द्वारा की गई शर्मनाक हरकत का वीडियो मंगलवार को नौगछिया शहर में वायरल हो गया। वायरल वीडियो को देखकर एक सामान्य आदमी यह सोचकर हतप्रभ था कि आखिर इतनी निर्दयता से कोई आदमी कैसे दूसरे आदमी की पिटाई कर सकता है। दोनों पीड़ित युवक काफी कम उम्र के लग रहे हैं। कुछ जानकार लोगों ने बताया कि दोनों युवक मधुसूदनपुर बैसी गाँव के राहुल और अविनाश है। जानकारी मिली है कि इन दिनों कोसी धार पर कब्जा जमाने का एक नया ट्रेंड दबंगों के बीच विकसित हुआ है। कल तक जिस कोसी धार में कोई भी मछली की शिकार मई कर सकता था, वह आज दबंगों के कब्जे में चला गया है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अब बहते धार में बंसी भी नहीं डाल सकता है। अगर कोई कोसी के बहते धार में 4 से 5 घंटे तक मशक्कत करने के बाद 1-2 किलो मछली निकाल लेता है तो यह भी दबंगों को नागवार गुजरता है। गया था, पकड़ लिया बच्चे को, मारा और सॉल्व हो गया है सारी चीज का घटना का। पैसा भी लिया गया है? नहीं, कुछ नहीं लिया। किनके साथ मारपीट हुआ था? अविनाश और राहुल के साथ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा मसूदनपुर। क्या नाम है सर आपका? दिलीप।
वहीं पूछे जाने पर नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि मामले की जानकारी उन्हें है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में किसी ने थाने में आवेदन नहीं दिया है। जब पुलिस ने मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया तो बात सामने आई कि दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया है। नवगछिया मास चेकिंग अभियान में 64 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 64 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिनसे कुल 3200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 6 वाहन से 6000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया एसडीओ व एसडीपीओ ने कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण। नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार एवं एसडीपीओ प्रवीण भारती ने नवगछिया गोपालपुर एवं रंगरा में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। गोपालपुर के डुमरिया गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित में निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वहां पर किसी भी प्रकार का जागरूकता बैनर नहीं लगाया गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। एसडीओ ने दंडाधिकारी को अनुपस्थित पाते हुए उनका एक दिन का वेतन स्थगित करने का आदेश देते हुए उनसे स्पष्टीकरण किया है। रंगरा के मुखिया टोला कंटेनमेंट जोन में बैरिकेटिंग नहीं होने से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बीडीओ व थानाध्यक्ष को इस संदर्भ में स्पष्टीकरण पूछते हुए वहां तत्काल बैरिकेटिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोनों पदाधिकारी को बैनर पोस्टर भी लगवाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं ढोलबजा कंटेनमेंट जोन में भी निरीक्षण के क्रम में बैनर पोस्टर नहीं पाए गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो व थानाध्यक्ष को बैनर पोस्टर लगवाने का निर्देश दिया है। एसडीओ ने कंटेनमेंट जोन के सभी वीडियो व थानाध्यक्ष को कंटेनमेंट जोन के नियमों का 100% पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं डुमरिया गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार एवं एसडीपीओ प्रवीण भारती डुमरिया गांव पहुंचकर कोरोना संक्रमण एवं गांव के प्रवेश द्वार को सील किए जाने के साथ साथ क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति का भी जायजा लिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने दियारा क्षेत्र को जाने वाली सड़क मार्ग की स्थिति का भी मुआयना किया। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि बाढ़ की स्थिति भयावह होने पर ग्रामीणों के लिए प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। प्रशासन के द्वारा बाढ़ के मद्देनजर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं एक दिन पूर्व अभिया गांव जाने वाली सड़क को भी सील किया गया था। रंगरा में पंचायत समिति की बैठक आयोजित। रंगरा चौक प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक रंगरा के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव की अध्यक्षता में की गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488568 9234623333। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। बीपुर तांत्रिक को भेजा गया जेल, सामने आई आंखों देखी कहानी, पहले छड़ी फिर लात घुसे से की पिटाई। ओझागुनी के फेर में फंसकर मरे झंडापुर के सोहरा निवासी दिनेश की पूरी आंखों देखी कहानी सामने आ गई है। परिजन जैसे ही ओझा के पास बीमार को लेकर पहुंचे तो ओझा ने उसे सामने बिठाया और देखते ही कहा कि दिनेश पर एक बहुत बड़ी प्रेत आत्मा का साया है। फिर वह दिनेश से तरह तरह का बात करने लगा, जैसे कोई अनजान आदमी से नाम पता हालचाल और कारण पूछता है। कुछ का भी जवाब भी मिला और कुछ का जवाब नहीं भी मिला। तांत्रिक बार बार कह रहा था कि वह अलौकिक आत्मा से बात कर रहा है जिसने दिनेश को अपने जंगल में रखा है। बातचीत करते हुए एकाएक तांत्रिक काफी गुस्से में आ जाता है और एक छड़ी उठाकर दिनेश को मारने लगता है। तांत्रिक कह रहा है कि दिनेश के शरीर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। वहीं दिनेश का कोई जवाब नहीं आता है और वह चोट लगने से बुदबुदा रहा होता है। तांत्रिक और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लात घुस्से से पिटाई शुरू कर देता है। 5 से 7 मिनट बाद दिनेश पूरी तरह अचेत हो जाता है तो तांत्रिक कहता है कि अब इसे कोई खतरा नहीं है।
दिनेश के शरीर से आत्मा जा चुकी है, लेकिन बात उल्टी थी। परिजनों ने जब दिनेश को हिलाकर देखा तो पता चला कि दिनेश की सांसें टूट चुकी है, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। परिजनों का कहना है कि पूरे कार्य में तांत्रिक के साथ उसका भाई भी इस कांड में संलिप्त था। परिजन कहते हैं कि मती मारी गई थी उन लोगों की जो उस तांत्रिक की बातों में आकर उसके यहाँ दिनेश का इलाज कराया। दिनेश की कहानी में कई परिजन चश्मदीद थे और पुलिस ने भी जब मामले की छानबीन की है तो इसी तरह की कहानी सामने आई है। वहीं दिनेश हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी अनिल को पुलिस ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने तांत्रिक से गहन पूछताछ की है और तांत्रिक किसके इशारे पर तंत्र मंत्र करता है और उसका गुरु कौन है इस बात का भी पता लगा रही है। दूसरी तरफ पूरे गांव में तांत्रिक का सहयोग कर रहे उसके भाई के लिए तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। झंडापुर के थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है और इसमें एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। नवगछिया में हाईवा और ऑटो के टक्कर में एक की गई जान, एक घायल। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर थाना चौक और रंगरा चौक के बीच में हुए हाईवा और ऑटो के बीच सीधी टक्कर में ऑटो चालक कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी चालक दिनेश मुनि का पुत्र बीजो मुनि 19 वर्षीय की जान चली गई, जबकि कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र के इंदिरा ग्राम निवासी अशोक मंडल के पुत्र सोनू कुमार 19 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सोनू को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं समाचार लिखे जाने तक सोनू की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। वहीं पुलिस ने घटना के बाद हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हाईवा को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने देर शाम मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो चालक कुरसेला के जयसवाल मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर का सामान लेकर नवगछिया आ रहा था और रंगरा चौक के पास एक हाईवा अनियंत्रित गति से लापरवाही पूर्वक परिचालन करते हुए ऑटो में सीधे टक्कर मार दी। टक्कर होते ही ऑटो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि सह चालक घटना के बाद जख्मी होकर बेहोश हो गया था। नारायणपुर वाहन चेकिंग में 2000 की राजस्व वसूली। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में मंगलवार को सहायक अवर निरीक्षक हसीन अहमद खान के नेतृत्व में दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 2000 रुपए की राजस्व वसूली की गई है। साथ ही अन्य बाइक सवार को लॉकडाउन का पालन करने, बेवजह मटर गश्ती से परहेज करने व मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। सिलेंडर लदा मालवाहक ऑटो पलटा। नारायणपुर प्रखंड के NH 31 नारायणपुर चौक से JP कॉलेज मार्ग में इंडियन गैस एजेंसी के मालवाहक ऑटो रसोई गैस लेकर लाभुक को देने के लिए निकला, जो JP कॉलेज के मुख्य द्वार के पास जंजर सड़क के कारण ऑटो पलट गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर इधर उधर बिखर गया। इंडियन गैस एजेंसी नारायणपुर के संचालक मनोज मिश्रा ने बताया कि बाल बाल चालक निकल गए, कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी प्राप्त होने के साथ ही एजेंसी के कर्मी द्वारा ग्रामीणों की मदद से ऑटो को खड़ी कर सिलेंडर लोड कर गंतव्य स्थान की ओर भेजा गया। गोपालपुर टिंटेंगा करारी में नहीं मिला कोरोना संक्रमित। PSC गोपालपुर द्वारा महिपाल राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय टिंटेंगा करारी में रैपिड एंटीजन किट से 100 ग्रामीण की जांच शिविर में किया गया, परंतु एक भी ग्रामीण कोरोना संक्रमित नहीं मिला। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। कदुआ में 7 पॉजिटिव, ढोलवज्जा में 2 लोगों ने कोरोना को हराया। खैरपुर कदुआ पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को जांच शिविर लगाकर 100 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मौके पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र ढोलबजा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, लिपि कुमार शंकर जयसवाल, अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया के मैनेजर ओम कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, मिथिलेश कुमार व आशा कार्यकर्ता बबीता कुमारी के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA, निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।